बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम बैक दोस्तों। स्पेशल बिरयानी के लिए इंजीनियर साहब को बाद में बताएंगे, सबसे पहले मैरिनेशन के ब्रेक प्रोसेस शुरू करते हैं क्योंकि जंगल में बैठे हुए हैं। ये देखिए, हमने तकरीबन ये 4 से 5 kg फिश है, बिल्कुल जो साफ सुथरे पीस हमने अपने हिसाब से किए हुए हैं। सबसे पहले इसमें 1 teaspoon नमक ऐड करेंगे, देख लें आप। वन टी स्पून देसी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। वन टी स्पून ये प्योर देसी मेथी है, ये ऐड कर देंगे ताकि जो फिश की वो है खुशबू है बिरयानी की, वो थोड़ा दुबला हो जाए। थोड़ी सी और डाल देते हैं, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर डाल देंगे, ये देख लें आप। टू टी स्पून ये खुश धनिया पाउडर है, ये डाल देंगे। थोड़ा सा और डाल देते हैं, और ये तकरीबन लेमन जूस है, ये तकरीबन 7 से 8 लीमू का जूस है, ये डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाह, और 1 teaspoon तकरीबन अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल देंगे। थोड़ा सा और डाल देते हैं ताकि ज़रा मैरिनेशन थोड़ा अच्छा तरीके से हो जाए। और साथ में ये देखें, ये 2 नेशनल बिरयानी के डब्बे हमने लिए हैं क्योंकि मौसम गर्मियों का, थोड़ा मसाला इसलिए कम डाल रहे हैं, ज़रा ये ऐड कर देंगे इसमें। लास्ट में ये देख लें, ये तकरीबन 1/2 kg दही है, अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह फिश में मिक्स करेंगे ताकि जितने भी हमने मसाले ऐड किए हैं वो हमारी फिश में प्रॉपर ऐड हो जाए। क्योंकि दोस्तों देसी टच का माहौल है तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहद मज़ा आएगा देख के, आप इस तरह देखते जाएं। तमाम फिश को अच्छी तरह मसाले में मिक्स करना है, जितने भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो सारे प्लस दही, ये तमाम चीज़ें फ़िश के अंदर प्रॉपर मिक्स हो जाएं ताकि जब मैरिनेशन का प्रोसेस शुरू होगा तो वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मसाला फ़िश में ऐड हो चुका होगा। अच्छी तरह तमाम फिश को मसाले जात में बराबर कर देना है। दोस्तों इसका सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि ये बिल्कुल दरिया सिंध की फ्रेश मछली है, और बिल्कुल अभी आपकी आंखों के सामने शिकार दिखाया आपको। मुझे तो अभी से बड़ी ज़बरदस्त भूख लगी हुई है, बेहद खुशबू आ रही है इसकी, और जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं वो इस इंतज़ार में हैं कि कब बिरयानी तैयार होगी और हम लोग खाएँगे। ये देखिए दोस्तों, ये तमाम मसाले जात हमने इसमें प्रॉपर फिश में मिक्स कर दिए हैं, बिल्कुल सबको एक जैसा लगा दिया। अब इसको कम से कम 2 से 2.5 घंटे के लिए मैरिनेशन में रख देंगे, उसके बाद फिर फाइनल बिरयानी का प्रोसेस शुरू करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम बैक दोस्तों। स्पेशल बिरयानी के लिए प्रोसेस शुरू करते हैं, सबसे पहले ऑयल डालेंगे, ये देख लें। तकरीबन ऑयल 1/2 kg या 3 पाव के दरमियान डालेंगे क्योंकि फिश हमारी 5 से 6 kg है, ये बात खास ख्याल रखिएगा। अब इसको ऑयल को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए प्रॉपर गर्म होने देंगे, उसके बाद फिर फर्दर प्याज डालेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम बैक दोस्तों। सबसे पहले ये खड़े मसाले हैं, ये डालेंगे साबुत मसाले। अच्छा, इसकी थोड़ी सी तफसील डालते हैं आपको। इसके अंदर शाही ज़ीरा है, जेफरन जबत्री का टुकड़ा है, दालचीनी है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची है, और तेज़पत्ता है, और काली मिर्ची और ब्लैक सफ़ेद मिर्ची है। ये देखें, ये खड़े मसाले हैं, ये इसमें ऐड करेंगे, और इसको डाल के
दो से तीन मिनट के लिए ऑयल में इसको भून लेंगे, इसके बाद फिर प्याज डालेंगे ताकि जो हमारी बिरयानी की खुशबू है वो बराबर रहे। देखें देखें, ये देखिए दोस्तों, जो खड़े हमने मसाले डाले थे वो प्रॉपर इसमें लिख चुके हैं। अब ये तकरीबन ये 3 पाव के करीब प्याज हैं, दरमियाने कटे हुए, ये डाल देंगे और कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए ना प्याज को हाफ ब्राउन होने तक भून लेंगे, इसके बाद फिर टमाटर डालेंगे। हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक दोस्तों। प्याज हमारे तकरीबन हाफ ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये देखें, ये तकरीबन 3 टीस्पून डालेंगे, ये 3 टीस्पून है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि जो हमारे प्याज है ना वो जल ना जाए प्रॉपर। अब इसे इसी तरह कर देंगे मिक्स और मज़ीद इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है वो प्रॉपर प्याज में ऐड हो जाए। हमारे साथ रहिएगा। टमाटर को प्रॉपर मिक्स हो जाए। टमाटर हमारे प्रॉपर पक चुके हैं, अब इसमें थोड़ा सा नमक इजाफा कर देते हैं क्योंकि नमक ऑलरेडी जब मैरिनेशन किया था उसमें डाला था, तो 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। तो साथ में 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स करके ना अब फाइनल में ये देख लें, ये मैरिनेशन के हमारे तकरीबन 2.5 घंटे पूरे हो गए। अब ये एक एक पीस करके डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखते जाएंगे। अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जो मसाला हमने बनाया उसमें फ़िश आराम से मिक्स, क्योंकि फ़िश थोड़ी सी नाजुक होती है, तो कोशिश करें जब आप इसको मिक्स करें तो आराम से चम्मच इस्तेमाल करें आप। अब इसको कम से कम 10 मिनट के लिए ना आराम हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। वेलकम बैक दोस्तों, ये देखें फ़िश हमारी प्रॉपर तैयार होगी है। मसाला भी इसका पक चुका है, अब इसको उतार के रख देंगे और फर्दर फिर चावल बॉयल करने के बाद शुरू करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक दोस्तों। चावल उबाल रहे हैं, उसके लिए हमने तकरीबन 4 kg दरिया का पानी लिया मीठा, क्योंकि डेफिनेटली दोस्तों शिकार पे आए हैं तो यहाँ पे दरिया का पानी ही अवेलेबल है। अब इसमें ये कुछ साबुत और खड़े मसाले डालेंगे। इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि इसमें शाही ज़ीरा है, लौंग है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, और जैफरन जवत्री का टुकड़ा है, और उसके बाद तेज़पत्ता है, और ये इसमें ऐड कर देंगे। साथ में 2 दर्द लींबू डालेंगे। अच्छा, लींबू से ये होगा कि जब हमारे चावल बॉयल होंगे ना तो चावल हमारा टूटेगा नहीं, वो प्रॉपर खिला खिला चावल होगा। साथ में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अच्छा, ऑयल से ये हो जाएगा कि चावल हमारा बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी का तैयार होगा। थोड़ा सा डाल देते हैं, तकरीबन 2 टीस्पून जितना ऑयल डाल दिया इसके अंदर। ये रोज़ वाटर है, 1 टीस्पून ये डालेंगे। और ये देख लें, ये बिरयानी पेंसेज है, 1 टीस्पून ये डाल देंगे। अच्छा,
ये केवड़ा, ब्रैनी एंसेस और रोज़ वाटर, ये किसी भी आपको डिपार्टमेंट स्टोर या प्रसार की दुकान पर आसानी मिल सकते हैं, तो ये कोई इशू नहीं है। और हाफ टी स्पून केवड़ा डालेंगे इसमें, ताकि जब चावल हमारा बॉयल हो जाए तो उसकी जो खुशबू है वह ज़बरदस्त किस्म की है। ये देख लीजिए केवड़ा है। अब इस पानी को ना प्रॉपर अच्छी तरह गर्म होने देते हैं, जब ये गर्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर इसमें चावल डालेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। ये देखें लास्ट में ना 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, और अब इसको अच्छी तरह ना बॉयल होने देते हैं पानी को। वेलकम बैक दोस्तों। ये देखें पानी हमारा ऐसे ऐसे गर्म हो रहा है, मज़ीद इसको 2-3 मिनट उबार आने देते हैं, उसके बाद फिर जो इसका ये खड़े मसाले में डाले थे ये निकाल लेंगे, उसके बाद फिर चावल डालेंगे उबलने के लिए, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक दोस्तों। ये देखें पानी हमारा प्रॉपर उबल रहा है। अब इसमें जो हमने खड़े मसाले डाले थे ना, साबुत मसाले, वो इसमें छान लेंगे। ये देखें मिसाले हमने तकरीबन सारे निकाल लिए हैं, अब इसमें चावल डालेंगे। चावल को ऑलरेडी भिगो के रखा हुआ था तकरीबन 2 घंटे के लिए, अब चावल डालेंगे, तो ज़रा देखते जाएं प्रोसेस को, क्योंकि आज की जो स्पेशल बिरयानी है दोस्तों, ये हम दरिया सिंध के पानी से बना रहे हैं। दरिया सिंध की रियल शिकार की मछली है, और साथ में दरिया सिंध के ही पानी से आज बना के दिखा रहे हैं इस जंगल के माहौल में। और इस यकीन जाने बेइंतहा गर्मी है, और गर्मी में हाल बिल्कुल बुरा है। ये आप लोगों के लिए स्पेशल चैनल हमने खोला है, तो मैं आप लोगों से तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरी हौसला अफजाई करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और मेरी वीडियो वॉच करें, ताकि मेरी इसमें हौसला अफजाई और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे मजीद रेसिपी लेके आऊँ। ये तकरीबन 2.5 किलो चावल है हमारे, स्पेशल कर्नल बासमती चावल है, और तकरीबन 5 केजी करीब हमारी फ़िश थी बिल्कुल फ्रेश। अब इस चावल को तकरीबन हम हाफ तक रहेंगे, हाफ कच्चा रहने देंगे, ताकि फर्दर जो हाफ है ना वो हमारा दम में पकेगा। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक दोस्तों। ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चावल से खुशबू आ रही, जो हमने खड़े मसाले ज़्यादा डाले थे, और बहुत खिला खिला चावल हमारा बॉयल हुआ है। तकरीबन 3 ही से चावल हमारा पक चुका है, बाकी जो है ना एक हिस्सा वो दम में पकाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी हम इसको उतार के छान लेंगे, उसके बाद फिर फाइनल बिरयानी के तह का प्रोसेस शुरू करेंगे, तो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक दोस्तों। अब फाइनल तह लगाएंगे, इसके लिए हमने फ़िश डाल दिया ऑलरेडी पतीले में, साथ में चावल डालेंगे। ये देख लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छी तरह तह बना लेते हैं इसकी। थोड़ी सी चीज़ें शामिल कर लेते हैं। ये देखें ये बिरयानी एंसेस है, ये 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ये डाल देंगे इसमें। केवड़ा वाटर है, 1/2 टीस्पून ये डाल देंगे। और ये रोज वाटर है, 1 टीस्पून ये डाल देंगे। थोड़ा सा और डाल देते हैं। ये बारीक कटी हुई हरी मिर्ची हैं, थोड़ी सी ये डालेंगे। ये धनिया और पुदीना मिक्स है, थोड़ा ये डाल देंगे, ताकि जो खुशबू है वो थोड़ी अच्छी। साथ में कुछ ये कटे हुए लीमू हैं,
थोड़े से ये डाल देंगे। साथ में देसी घी डालेंगे 2 टीस्पून, क्योंकि दोस्तों हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमारा पंजाब देसी फूड चैनल है, तो इसलिए हमारे हर खाने में देसी घी ऐड होता है। इससे थोड़ा सा चावल बिरयानी की जो खुशबू है ना, वो थोड़ी सी लाजवाब हो जाएगी। और थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे, ये येलो फूड कलर है, थोड़ा सा ये डाल देंगे। रेड कलर है, ये डाल देंगे इसमें ताकि मज़ीद कलर थोड़ा और अच्छा हो जाए। देखें आप, आज हमने थोड़ा सा इजाफा किया है, थोड़ा सा ग्रीन कलर है ताकि जो हमारी बिरयानी बने वो प्रॉपर कलरफुल बने, ज़रा थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड कर देंगे। अब सेम उसी तरह सेकंड तह बिछाए गए, देख लें। बाकी जितने भी चावल सारे डाल देंगे इसमें, इसको अच्छी तरह साफ कर लेंगे चावलों को। साफ करने के बाद इसकी सेम उसी तरह तह बना लेंगे, एक जैसा बराबर कर लेंगे। इसी तरह सबसे पहले हरी मिर्च डालेंगे, पुदीना और धनिया डालेंगे ब्रिक कटा हुआ, थोड़े से कटे हुए नींबू डाल देंगे, लास्ट में फूड कलर ऐड कर देंगे। ये देखिए ग्रीन कलर थोड़ा सा आज हमने इजाफा किया था। ये रेड कलर है थोड़ा सा, देख लें। थोड़ा सा लास्ट में येलो कलर डाल देंगे। अब लास्ट में तकरीबन 2 टीस्पून देसी घी डाल देंगे। चलिए, कुछ हमने ऑयल निकाल लिया था जब मसाला तैयार किया था, थोड़ा सा ये ऊपर डाल देंगे। चाहें तो निकाल सकते हैं, आप चाहें तो रहने दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखें, अब इसका ढक्कन बंद करके ना इसको गर्म कोयले के ऊपर कम से कम 30 मिनट के लिए
दम पे रखेंगे, उसके बाद हमारी ज़बरदस्त फ़िश बिरयानी तैयार हो जाएगी, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक दोस्तों, ये देखें दोस्तों कोयला हमने लगा दिया ऊपर भी और नीचे भी। अब इसको 30 मिनट के लिए प्रॉपर दम पे रखेंगे, उसके बाद हमारी इंशाल्लाह ताला गर्मा गर्म बेहतरीन आउटस्टैंडिंग फ़िश बिरयानी वो भी दरिया सिंध के ऊपर तैयार होगी, तो हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम बैक दोस्तों, बिरयानी हमारी प्रॉपर तैयार होगी, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, यकीनन इसका टेस्ट और रिज़ल्ट भी बहुत आउटस्टैंडिंग होगा, ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए अभी इसको डिश आउट करेंगे और डिश आउट करके फिर अपने मेहमानों को हम पेश करेंगे।